जर्मनी में छोटे और मझोले बिजनेसों को मिटलस्टैंड कहते हैं। इनमें 500 तक कर्मचारी होते हैं। यहाँ ऐसे बिजनेसों की संख्या लाखों में है। इनके बूते जर्मनी लंबे समय से न सिर्फ दुनिया की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है, बल्कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था का भी बड़ा इंजन रहा है। लेकिन साल 2000 से जर्मन अर्थव्यवस्था धीमी हुई है। बाहरी दुनिया फिर सोचने लगी है, क्या जर्मनी यूरोप का मरीज बन चुका है? ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और फोक्सवैगन जैसी कार कंपनियों की धरती जर्मनी मुश्किल में है। कोरोना गुजरा ही था कि यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी गैस पर निर्भरता घटानी पड़ी। इससे उपजे ऊर्जा संकट और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दिया। साल 2023 में जर्मन अर्थव्यवस्था 0.3% सिकुड़कर मंदी में गई। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन फिर 5.2% की ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद विकासशील देश और G7 देश रहे। लेकिन जर्मनी को हुआ क्या? बहुत लंबे समय की बात ना करें तो हमारे कारोबार मुश्किल बदलावों से गुजर रहे हैं। कार इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ऊर्जा के ऊंचे दामों से जूझ रही है। केमिकल उद्योग मुश्किल में है, तो कई वजह हैं। कुछ वजह जर्मनी के अंदर से आई हैं, जैसे ऊंची टैक्स दरें, बहुत ज्यादा नौकरशाही। जर्मनी को जानने वाले यहाँ के कुख्यात पेपर वर्क से अच्छे से परिचित हैं, लेकिन उसकी बात फिर कभी। फिलहाल तो इस अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी मुश्किल ऊर्जा के दाम ही हैं। आधुनिक जर्मनी में पहली बार उत्पादन और बिक्री ढह रही है। वजह, प्राकृतिक गैस के दाम यूक्रेन युद्ध के बाद तेजी से बढ़े हैं और कंपनियों की बेहद ज्यादा बिजली जरूरतों के दाम पिछले कई वर्षों में बहुत ज्यादा रहे हैं। ये चीजें कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही हैं। दामों में इस तरह की बढ़ोतरी का असर मांग में भारी गिरावट के तौर पर सामने आता है और हम जर्मनी के प्लांटों में उतनी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं जितनी क्षमता से अन्य देशों के। कनाडा से तुलना करें तो यहाँ बिजली के दाम 6 गुना ज्यादा हैं। नतीजा ये हुआ कि अब डूरावेट कनाडा में एक नई मॉडल फैक्ट्री बना रही है जो प्रदूषण रहित होगी। कनाडा की सरकार इसकी लागत पर 25% सब्सिडी दे रही है। इसकी योजना और निर्माण में सिर्फ 1 साल से कुछ ज्यादा का समय लगा। भट्टी अक्षय ऊर्जा से चलेगी। मझोली कंपनियों के लिए जर्मनी अब अच्छा विकल्प नहीं रहा। जर्मनी में असमंजस ये है कि बिजनेसों के लिए कार्बन टैक्स पड़ता है अगर वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं करते। साथ ही इसके लिए कनाडा की तुलना में सब्सिडी भी कम है। अक्षय ऊर्जा जर्मनी में बहुत ज्यादा महंगी है और ग्रीन हाइड्रोजन अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन बिजली के अंतर्राष्ट्रीय दामों की असल में क्या स्थिति है? इटली में उद्योगों के लिए बिजली का अधिकतम दाम $56 प्रति किलोवाट घंटा है। जर्मनी में ये करीब आधा 29 सेंट है। जापान में 28 सेंट और फ्रांस में भी ये जर्मनी से कम है। और अमेरिका में औद्योगिक बिजली का दाम जर्मनी से भी आधा है, सिर्फ 15 सेंट। क्या सरकारी सब्सिडी देकर उद्योगों को बाहर जाने या दिवालिया होने से रोका जा सकता है? हमने उद्योगों की ओर झुकाव रखने वाले एक जानकार से इस पर बात की। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपको जनता के पैसों से इन कंपनियों के लिए जर्मनी में काम करने को आकर्षक बनाना होगा। इसका मतलब जनता से, करदाताओं से मिली रकम का इस्तेमाल गुजरे कल की समृद्धि को बनाए रखने के लिए करना होगा। और मेरा सुझाव यह है कि अगर जनता का पैसा इस्तेमाल करना है तो इसे आगे जो चीजें तरक्की करेंगी उन पर खर्च करें, क्योंकि अभी के उद्योग कल जर्मनी को आगे ले जाने वाले विकास का इंजन नहीं होंगे। इनका इशारा नई खोजों की ओर है। इनोवेशन इंडेक्स में जर्मनी दुनिया के 10 अहम मुल्कों में शामिल तो है, लेकिन उसका नाम काफी नीचे आता है। इस मामले में ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से पीछे 8वें नंबर पर है। यानी जर्मनी को रिसर्च सेक्टर में और पैसे लगाने की जरूरत है। और सिर्फ रिसर्च में पैसे लगाने से काम नहीं चलेगा, उन कंपनियों को भी मदद देनी होगी जो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। लेकिन नए कर्मचारियों के बिना ये सब कैसे होगा? जर्मनी कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। बुजुर्ग होते नागरिक तो इसकी वजह हैं ही। जानकार ये भी मानते हैं कि जर्मन लोग बहुत कम काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम नौकरी से होने वाली कमाई फुल टाइम नौकरी से होने वाली कमाई से बहुत ज़्यादा कम नहीं है।
तो क्या अब जरूरी हो गया है कि ऐसे नियम बदले जाएं? बिल्कुल, अगर आप लोगों के व्यक्तिगत काम के घंटे देखें तो पिछले कुछ वर्षों में वो तेजी से कम हुए हैं। जर्मनी के वर्कफोर्स में अभी 4.5 करोड़ लोग हैं, ये एक रिकॉर्ड है। फिर भी ज्यादातर कंपनियां कर्मचारियों की कमी से जूझ रही हैं। ये कैसे संभव है? असल में काम के घंटे कम होने से कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के बावजूद फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे कर्मचारियों के व्यक्तिगत काम का समय जरूर तेजी से घटा। इससे समझ आता है कि श्रम की ऐसी कमी क्यों है। मतलब जर्मनी में हफ्ते में कर्मचारियों का 35 घंटे भी काम न करना अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल रहा है। नारायण मूर्ति इस आंकड़े को सुनेंगे तो बहुत दुखी होंगे। कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था, जर्मनी में घरेलू खरीदारों की ओर से मांग न होना भी एक बड़ी समस्या है। अन्य देश अपने उद्योगों के लिए ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बदलावों की भरपाई अरबों के सरकारी कर्ज से कर रहे हैं और इसके लिए जर्मनी के पास काफ़ी गुंजाइश है। जीडीपी के अनुपात में 66% कर्ज के साथ जर्मनी G7 देशों में सबसे कम कर्ज वाला देश है। चीन पर इससे ज़्यादा 83% कर्ज है। कनाडा और फ्रांस पर जर्मनी से लगभग 2 गुना कर्ज है। अमेरिका में ये और ज़्यादा 126% है। इटली का सार्वजनिक कर्ज 144% है, वहीं भारत का सार्वजनिक कर्ज करीब 82% है। जर्मनी कभी यूरोपीय अर्थव्यवस्था की तरक्की का मुख्य इंजन था, अब इसका बर्ताव उसके ब्रेक जैसा है और यहाँ बहुत सी कंपनियां या तो दिवालिया होने का खतरा झेल रही हैं या विदेश जाना चाह रही हैं। कुछ भी हो, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तत्पर जर्मनी कई मामलों में रोल मॉडल भी रहा है। देश ने जिस तरह पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दशकों में विकास किया, वो दुनिया के बड़े देशों के लिए मिसाल होना चाहिए। पिछले साल जर्मनी की 50% से ज़्यादा बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आई थी। जाहिर है कई देश इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइए जर्मनी की कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।